दिल्ली से लद्दाख लेह के फ्लाइट टिकट में इजाफे पर तनाजा बढ़ता ही जा रहा है। वजारत दाखिला की मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंचे सजाद करगिली और डॉक्टर अब्दुल कयूम ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए। लद्दाख में फ्लाइट के किराए का इशू अब जोर पकड़ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर जो दिल्ली से लेह के लिए फ्लाइट जाती है या लेह से दिल्ली के लिए फ्लाइट आती है उसका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कयूम साहब और सजाद करगिली साहब। जिस तरीके से ये जो पूरा इशू है इसमें किस तरह की दिक्कत होती है और मसला क्या है ये सर? देखिए, हर टाइम यहाँ पे समर में हमारा टूरिज्म जब मेन पीक सीजन होता है उस टाइम किराया बहुत बहुत स्काई ये हो जाते हैं, टच कर देते हैं। अभी विंटर में हमारे लोग फिर वहाँ से विंटर में पिलग्रिमेज के लिए आते हैं या सर्दियों में पेशेंट लोग आते हैं फिर बढ़ जाते हैं। ये एक हमेशा एक इशू रहा है। तो हमारे लीडर्स ने, लोगों ने हमेशा ये गवर्नमेंट से ये किया है कि भाई कम से कम लद्दाख के लिए एक लो और हाई का एक प्राइस फिक्स हो जाए ताकि उस लिमिट में रहे। ऐसे नहीं कि आप कल का चेक कीजिए आप कहाँ कितने थाउजेंड्स पे पहुँच गए, तो उतना तो एफोर्ड कर नहीं सकते हैं। तो इसको एक बहुत बड़ा मसला है। अभी हमारे साथ एमपी साहब भी थे, वो भी इस पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सब मिलके इसमें कुछ करना चाहिए, इसमें कंसीडरेशन लेना चाहिए। सज्जा साहब, किस तरह की परेशानी होती है जो किराए का जो इशू है इसमें आम लोगों को, और उनके लिए कितना मुश्किल है सफ़र करना? देखिए, एक तरफ आपको मालूम है कि जो हमारा एयर कनेक्टिविटी है वो सिर्फ लेह से ही कमर्शियल जो एयर कनेक्टिविटी वो रहती है, जबकि करगिल में तो अभी कोई जहाज़ नहीं उतरता है। तो पूरा लद्दाख में लेह एयरपोर्ट पे ये सारा एक लोड रहता है, जिस वजह से जो लेह से खासकर दिल्ली के जो किरायों में काफ़ी इजाफा हो जाता है। इस साल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कोशिश की है कि किस तरीके से ये IL-76 और AN-32 कुरियर सर्विस जो हमेशा करगिल और जम्मू और श्रीनगर के बीच में ऑपरेट होता है, इसको लेह से भी शुरू किया जाए। तो इस हिसाब से तो जो किराया है वो काफ़ी कम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी 14,000-15,000-16,000-20,000 अगर किराया बढ़ जाता है तो मुझे लगता है उसके बाद जो आम लोग हैं, खासकर पेशेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी दुश्वारी होती है क्योंकि उनको सफ़र करने में मुश्किल होती है। तो सीधे तौर पर बहुत सारी उम्मीदें हैं जिस तरह की आज की मीटिंग रही है, और दो हफ्तों के अंदर बता रहे हैं कि दो हफ्तों के अंदर जो लिखित में तमाम चीज़ें देनी हैं वो दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18।